गोमुख आसन स्त्री और पुरुषों के रोग के लिए, पुरुषों में अंडवृद्धि और महिलाओं के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए, साथ ही साथ वक्षस्थल में उभार लाने के लिए और यकृत को बलिष्ठ करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसको करते कैसे इसको देख लेते हैं। सबसे पहले दोनों पैर सामने, राइट लेग को नी से दूसरे पैर के नीचे से लेकर के घुटने से मोड़ करके लेके आएंगे, बिल्कुल सावधानी से देखिए। फिर दूसरा पैर उसके ऊपर से हम लेकर के आते हैं इस तरह से। अगर आप थोड़े से शरीर से कमज़ोर हैं तो आप इसी तरह से बैठ जाइए, पंजा इस तरह बाहर निकाल के रखिए, दूसरा पंजा भी बाहर निकाल के रखिए। शरीर का सामर्थ्य थोड़ा सा अच्छा है तो आप दाएं पैर को नीचे ला करके उस पर बैठ भी सकते हैं और बाएं पैर को थोड़ा सा और पास लेकर के आएंगे और एड़ी को बटक मसल से लगा देंगे इस तरह से, घुटने के ऊपर ठीक घुटना आ जाएगा बराबर पैरेलल। फिर उसके बाद में आपको जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लेकर के आना है। जैसे हमने लेफ्ट लेग ऊपर रखा है तो राइट ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से इस तरह से पकड़ लेंगे पीछे से। पीछे की स्थिति कैसी मैं आपको बता दूंगा, पहले आगे की स्थिति आप देख लीजिए। इस तरह से ये गोमुख आसन बनता है, कोहनी ठीक सर के ऊपर सीधे रहेगी, आंखें बंद करके थोड़ी देर होल्ड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इस आसन में आपको ज़रूर रखना है। संधिवात की समस्या अगर आपको है, अगर आप घुटनों में होने वाले दर्द से परेशान हैं, कूल्हे में होने वाले दर्द से परेशान हैं, गठिया की आपको दिक्कत है, बवासीर की समस्या अगर आपको है तो भी यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही कंधे और गर्दन के दर्द भी इस आसन को करने से दूर हो जाते हैं। पीछे की स्थिति कैसे बनेगी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस तरह से हाथ ऊपर उठाया, दूसरा ऐसे पकड़ना है, फिर धीरे से वापस आएंगे। दोनों ही तरफ से आपको हाथ और पैर बदल करके, ध्यान रखिए जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर आपको लेकर के आना है, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। दोनों ही तरफ से आप एक या 2-2 मिनट तक इस आसन को ज़रूर करें। स्पाइनल कॉर्ड आपकी सीधी होती है तो आपका दिन भर का जो कार्य है वो भी आप स्पाइन सीधी रख करके कर पाएंगे। किसी को इसी झुक करके बैठने की आदत होती है तो उनको भी कमर में दर्द हो जाता है, इसलिए सीधी बैठने की आदत भी आपकी इस गोमुख आसन करने से हो जाती है। साथ ही साथ जिसको नस में नस चढ़ने की परेशानी है, बाइटे आते हैं तो भी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसके अतिरिक्त अगर आपको अस्थमा की दिक्कत है, क्योंकि श्वसन तंत्र पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है गोमुख आसन करने से, क्योंकि हाथ हम खोल देते हैं, चेस्ट पूरा ओपन होता है, स्वच्छ वायु जाती है, हमारे एल्वियोलाई तक जाती है, तो हमारे अस्थमा की जो दिक्कत है वो भी दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर आपको पार्किंसन की प्रॉब्लम है तो भी वह समस्या भी इससे दूर हो सकती है। धीरे धीरे आपको इसका लंबा अभ्यास करने की आवश्यकता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है 6 से 7 दिनों में गोमुख आसन का जो प्रभाव है दिखाई देने लग जाता है। शास्त्रों में गोमुख आसन का क्या वर्णन है इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, आप इस विषय में जाकर के ज़रूर देखिए। इसमें सावधानी की अगर बात करें तो विशेष कोई सावधानी नहीं है, फिर भी अगर आप योग में नए हैं, आपको नहीं ज़्यादा पता है, तो मैंने सावधानियों के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दी, आप उनको जाकर के ज़रूर देखिए। चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।